दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी वर्ष 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएगी। इसकी घोषणा खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान की है। इसमें पहले आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी सीटों पर उम्मीदवारों की उतारने का ऐलान कर चुकी है। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव लड़ने का ऐलान अरविंद केजरीवाल का बड़ा और अहम फैसला माना जा रहा है। डिजिटल पत्रकार वार्ता में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के मुखिया व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी मिल रहा है और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं, अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, तो ये सब उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकते। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि कौन रोक रहा है उत्तर प्रदेश में इसे। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्ट नेता और गंदी राजनीति से रोक रही है। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को हमें एक बार मौका देना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाकर दिखाऊंगा। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।